गाइस एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से यूज होते हैं इसको बनाने में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन से ये सब कुछ आता है और इन सब का ही एक जो ये मिक्सचर है जो हमें इतना पसंद आता है वो इस बॉटल के अंदर पैक होता है। गाइस सबसे पहले बात करें कॉर्न्स की, तो सबसे बढ़िया क्वालिटी वाली कॉर्न्स यहाँ पे लाई जाती है। ऐसी कॉर्न्स लाई जाती हैं कि जिसमें कोई भी क्रैक ना हो, बिल्कुल भी डस्ट ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और सबसे बढ़िया वाली कॉर्न्स यहाँ पे लाई जाती हैं इस विस्की को बनाने में। तो गाइस ये तो है सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट कॉर्न की बात। इससे बाद बात करें जो कि मेन इंग्रेडिएंट है वो है स्प्रिंग वाटर। जी हाँ, स्प्रिंग वाटर का यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। इसमें बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसी कारण इस विस्की का जो टेस्ट है वो इतना प्यारा और इतना यूथफुल है। अगला स्टेप होता है इन सब चीज़ों को मिक्स करके, मैशअप करके इसमें यीस्ट को डाला जाता है ताकि इसमें से जो है अल्कोहल वो जनरेट हो सके। इसके बाद जो विस्की जनरेट होती है कॉपर स्टिल्स में, उसको जो है चारकोल फिल्टरिंग किया जाता है, चारकोल से निकाला जाता है। ये अपनी ही रॉ लिकर का यूज़ करते हैं वुड्स को जलाने के लिए, किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते वुड्स को जलाने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइस उसके बाद चारकोल को ठंडा किया जाता है और लेके जाया जाता है बड़े बड़े वुडन टब्स में, जहां पे उसको स्टोर किया जाता है और विस्की की एक एक ड्रॉप उसमें से जो है वो पास होती है और ये चारकोल फिल्टरिंग की जो प्रोसेस है ये 3 से 4 दिन ले लेती है। उसके बाद बारी आती है वाइट ओक बैरल्स की, जिसमें विस्की को स्टोर किया जाता है। ये भी यूनिट अंदर ही है, यहीं पे सारी प्रोसेस होती है, सारी मेकिंग होती है बैरल्स की। गाइस उसके बाद बैरल्स को अंदर से जलाया जाता है। गाइस इसके बाद प्रोसेस आती है बैरल को फिल करने की। इसमें जो है ये अल्कोहल को फिल किया जाता है और इसको टाइम के हिसाब से मैचुरेशन के लिए रखा जाता है। 3 to 6 ईयर जैसा इनका टाइम हो उतनी देर के लिए इनको रखा जाता है। तो गाइस मैचुरेशन के बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट जैक डैनियल नंबर 7 जो है उभर के बाहर आता है, जो कि इतना लोग पीना पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।